सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार विश्वहरी, ये दोनों शख्स एक ही हैं। नाम बदलने की पहले शुरुआत की गई। सूरजपाल जो कि यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल था, एलआईयू में बताता था, इंटेलिजेंस में बताता था कि वो काम करता था, और ऐसे में जब अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में सत्संग की शुरुआत हुई, उसके बाद मारुति 800 कार से अलग अलग जगहों पे घूमना हुआ, लोगों को इकट्ठा करना हुआ, और फिर सूरजपाल बदल गया नारायण सरकार विश्वहरी में। नाम बदला, पहचान बदली, ठिकाना बदला, लोग आए। ये बताते हैं कि जो उनका आश्रम है सूरजपाल का, उस आश्रम के गेट पर एक बड़ा गरुड़ लगा हुआ है, और गरुड़ के ऊपर जो खुद बाबा है वो बैठे हुए हैं, यानी कि एक तरीके से खुद को हरि का अवतार बताने की कोशिश की गई है। लोगों को यह बताया गया जो प्रवचन में आते थे कि वो हरि के अवतार हैं, लोग आके उनसे जुड़े, लोग आके उनकी बातों को सुने, और लोग जो आके उनकी बातों को सुनेंगे वो एक तरीके से भगवान विष्णु भगवान हरि की बातों को सुनेंगे। तो इस तरीके से इस बाबा ने सूरजपाल से लेकर जो अपने नारायण विश्व हरि की जो यात्रा है उसको कंप्लीट किया, और अब पुलिस लगातार जो ठिकाने हैं सूरजपाल की उसके ऊपर जांच कर रही है, पता कर रही है कि आखिर कहां है बाबा। अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी है वो चल रही है। अब तक इस पूरे मामले में, पूरे भगदड़ में अब तक जो बताया जा रहा है 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से भीड़ को इकट्ठा किया गया बाबा के द्वारा और सत्संग कराया गया। इसके पहले भी कोविड काल में जहां 50 लोगों की अनुमति दी गई थी सत्संग करने की, वहां पर 50,000 जो लोग हैं वो पहुंचे थे, और उसके ऊपर भी जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ था। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब तराशने की कोशिश यूपी पुलिस भी कर रही है, लेकिन नाम बदलना, पहचान बदलना, ठिकाना बदलना, और उसके बाद इस तरीके से अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करना, खुद को हरि साबित करना, ये बाबा का एक ट्रेडमार्क रहा है, और लोग इससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए, उस सत्संग में पहुंचे, और ये दुखद घटना निकल के सामने आई। तनवीर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स, नवभारत, हाथरस।